खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। जहां एक ओर केंद्र सरकार व राज्य सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दिन प्रतिदिन लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर दबंगों का कहर जारी है। ताजा मामला जनपद कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र के नैनापुर गांव का है, जहां पीड़ित ने बताया कि उसकी पुत्री खुशबू शौच के लिए बाहर गई हुई थी। तभी कुछ मोहल्ले के कुछ दबंग लोग राम मिलन, राम नरेश, जागे मोहनलाल, छोटू आदि लोगों ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और घर में घुसकर परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट कर सोने का हार भी ले गए। क्या घटना हुई है? कौन लोग थे जिन्होंने आपको मारा है? राम मिलन सर। और राम मिलन। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ इतना तेज कि आप लोग लुहान हो गए? इसके लिए भा कि दुआरे अते के मंगाओ तीन डब्बा संजय ने देने गए तो इसी के मारे गाली गला देने लगे कि हमारे घर की लड़ाई करते हो तुम। तो वही बोले कि बंदी नाम है, बंदी ने कहा कि अरे मारोगे तो पुलिस उड़ा देंगे। तो संजय ने बोले कि तुम उड़ा दोगे तो कहा हम देखे रहेंगे। इसी बात के मारे भाई है। अच्छा, मैं दिन भर कहता है बाथरूम करने तो कहता तो राम मिला से लोग चार लोग बांध के आए डाटा। हमने एक लोगों का चेहरा देख लिया, उसने मेरा गले का हार छीन लिया, फिर हमें होश नहीं रहा है। अच्छा, बेहोश हो गई आप? फिर बेहोश हो गए, फिर हमें होश नहीं रहा है। थाने गई थी फिर आप शिकायत करने? हाँ गए थे। गए थी आप, फिर क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं, सुनवाई नहीं की। अच्छा, सुनवाई नहीं की। किस थाने गई थी आप? सिकंदरा थाना, कानपुर देहात से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।